भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है और इस इतिहास को समेटने की कोशिश चंद दिनों की। आज 13 फरवरी है, आज का दिन बड़ा है क्योंकि इस सीरीज का पहला एपिसोड है। खैर, आज बड़ा दिन है तो बात बड़े शहर की होगी। एक ऐसा शहर जो भारतीय इतिहास के हर पलटते पन्ने का गवाह बना, वो शहर जिसके बारे में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये शहर अनेक साम्राज्यों की कर्व रहा और फिर एक गणराज्य की नर्सरी बना। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली। आज ही के दिन यानी 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का भारत की राजधानी के तौर पर उद्घाटन हुआ। कैसे हुआ ये सब? अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी क्यों बनाया और इससे पहले दिल्ली का इतिहास क्या था, सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, आप अधिकारी अड्डा का स्पेशल सेगमेंट इतिहास के पन्नों से देख रहे हैं। दिल्ली का 1200 साल का इतिहास याद करें तो बशीर चंद्र की एक बात मौजो जान पड़ती है। दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। लेकिन लूटने की बात बाद में, पहले जानते हैं दिल्ली बसी कैसे। जिसे हम आज नई दिल्ली कहते हैं वो दिल्ली का एक छोटा सा हिस्सा था और ऐसे अलग अलग हिस्से थे जो अलग अलग राजाओं के समय में बनाए गए और बसाए गए। आधुनिक इतिहास की बात करें तो 8वीं सदी में तोमर वंश के राजाओं ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। राजा आनंदपाल तोमर ने महरौली के पास लालकोट किले का निर्माण किया। तोमर राजाओं के बाद लालकोट पर पृथ्वीराज चौहान ने राज किया। उन्होंने लालकोट का नाम रखा राय इथौरा। पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद मोहम्मद गौरी वापस अफगानिस्तान लौट गया और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तुर्क गुलाम को दिल्ली का गवर्नर नियुक्त कर दिया। 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और इस तरह दिल्ली पर गुलाम वंश का शासन की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसका राज 1236 तक चला। उसकी मौत के बाद दिल्ली में खिलजी वंश का शासन शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत के इतिहास का सबसे बड़ा ताकतवर शासक माना जाता है। उन्होंने अपना राज गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा और दक्षिण में वारंगल और मदुरई तक फैलाया। उन्होंने राय पिथौर के बजाय सीरी को राजधानी बनाया। सीरी का किला खासकर मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए बनाया गया था। सीरी के किले के अलावा खिलजी वंश के अवशेष आपको हौज खास में दिखाई देंगे। हौज खास का निर्माण सीरी को पानी की सप्लाई देने के लिए किया गया था। 1320 में खिलजियों का तख्ता पलट हुआ और खुसरो शाह ने दिल्ली की गद्दी हथिया ली। लेकिन जल्द ही गयासुद्दीन तुगलक ने उसे गद्दी से हटा दिया। तुगलकों ने दिल्ली में तुगलकाबाद नाम के शहर की स्थापना की। तुगलकों के शासन में ही वो घटना हुई थी जिसके चलते हर अटपटे निर्णय की तुलना तुगलक शाही से की जाने लगी। हुआ यूं कि साल 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दौलताबाद में पानी की कमी पड़ने लगी, जिसके बाद 1334 में दिल्ली को दोबारा राजधानी बनाया गया। इस बार उन्होंने दिल्ली में एक और नगर की स्थापना की, जहां पनाह नाम का ये शहर महरौली और सीरी के बीच बसाया गया था। इस नए शहर को बनाने का कारण यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक तुगलकाबाद को अपने लिए मनहूस मानते थे। एक किस्सा यह भी चलता है कि हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया यहां पर एक बाग बनवाना चाहते थे, लेकिन तुगलक ने इसे इनकार कर दिया, जिसके चलते औलिया ने शहर को शराब दे दिया। तुगलकों के शासन काल में एक और शहर का निर्माण हुआ। यह शहर था फिरोजाबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। आज जहां फिरोज शाह कोटला है, वहीं इस शहर को बसाया गया था। इसी शहर पर 1398 में तैमूर लग ने आक्रमण किया। इतना खून बहा कि दिल्ली को फिर दिल्ली बनाने में एक सदी का समय लगा। तैमूर ने जब दिल्ली पर हमला किया, इसे दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता था। तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक वंश लगातार कमजोर होता गया और 15वीं सदी में लोदियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया।
1526 में मुगल भारत में आया। इस साल पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मुगल वंश की नींव रखी। बाबर के बेटे हुमायूं को 1540 में शेरशाह सूरी ने हरा दिया और नींव रखी एक और नए शहर की। ये शहर था शेरगढ़। शेरगढ़ के अवशेष दिल्ली के पुराने किले में देखे जा सकते हैं। इसी किले की इमारत शेर मंडल की इमारत से गिरकर हुमायूं की मौत हुई। हुमायूं के बाद अकबर ने शासन किया। अकबर के बाद शाहजहां ने। शाहजहां के काल में दिल्ली का सातवां शहर बना शाहजहानाबाद। शाहजहां ने यहां भव्य इमारतें बनवाए जैसे लाल किला, जामा मस्जिद। अकबर के काल में दिल्ली से राजधानी आगरा शिफ्ट की जा चुकी थी। शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनाकर आगरा से शिफ्ट कर इसे राजधानी बनाया। अंग्रेजों के आगमन तक यही इलाका दिल्ली के नाम से जाना जाता था। इसी दिल्ली को 1739 में एक बार और लूटा गया। अब की बार नादिर शाह ने दिल्ली एक बार फिर खून से नहाई। मुगलों का तख्ते आउत, कोहिनूर हीरा सब नादिर शाह के साथ चला गया और साथ ही चला गया दिल्ली का वो वैभव जिसके बारे में वो जानी जाती है। 1857 में दिल्ली पर एक और आक्रमण हुआ। इस बार अंग्रेजों ने बगावत रोकने के लिए दिल्ली को तबाह कर डाला और शहर का एक तिहाई हिस्सा खंडहर में बदल दिया गया और दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल हो गया। लेकिन दिल्ली को अंग्रेजों ने राजधानी नहीं बनाया। उनकी राजधानी थी कोलकाता, जो तब कोलकाता के नाम से जाना जाता था। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कैसे शिफ्ट हुई और क्यों हुई, इसके लिए चलते हैं साल सीधे 1905 में। इस साल ब्रिटिश शासन ने बंगाल के बंटवारे की घोषणा की, लेकिन कुछ साल में ही उन्हें इतना विरोध झेलना पड़ गया कि ब्रिटिश हुकूमत अपने फैसले को वापस लेने के बारे में सोचने लगा। इसी बीच 1910 में जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा बने। राजा बनते ही उनके सामने बंगाल का मुद्दा आया। फिर 1911 में उन्होंने भारत का दौरा किया। दिल्ली में उनकी ताजपोशी के लिए एक दरबार लगाया गया। इस दरबार में पहले वो बंगाल का बंटवारा वापस लेने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन इन मौके पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने अड़ंगा लगा दिया। हार्डिंग को मनाने के लिए एक ब्रिटिश सांसद ने सुझाव दिया कि बंगाल का बंटवारा रद्द कर नए सिरे से उसकी सरहद बनाया जाए और राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। हार्डिंग तैयार हो गया और तय हुआ कि नई राजधानी का ऐलान खुद किंग जॉर्ज करेंगे। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में 1,00,000 लोगों के सामने किंग जॉर्ज की ताजपोशी हुई। दरबार खत्म होने से ठीक पहले उन्होंने एक कागज हाथ में लिया और उसमें से पढ़ते हुए बोले, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। इसके 3 दिन बाद 15 दिसंबर 1911 को नई राजधानी की आधारशिला रखी गई। बकायदा हाथी के दांत से बने दो औजारों से राजा और रानी ने शिलाएं रखी। कमाल की बात तो यह थी कि जिस जगह पर शिलाएं रखी थी वहां ना कोई इमारत बना ना राजधानी, बल्कि पत्थरों को हटाकर दूसरी जगह लगाया गया। एक पूरा शहर नया बनाना जिसमें सरकार के कामकाज की सारी सुविधाएं हो बहुत दुर्लभ और लंबा काम था। इसलिए शुरुआत में अस्थाई राजधानी बनाई गई जिसे अब ओल्ड सेक्रेटरिएट के नाम से जाना जाता है। वहीं साथ ही नई राजधानी की तैयारी शुरू कर दी गई। ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी कि नई राजधानी मुगलिया दिल्ली से अलग दिखे। इनमें कौन से पत्थर लगेंगे, इसका क्या डिजाइन होगा, इसकी जिम्मेवारी खास लोगों को सौंपी गई। मौलिक एम हेली को तब दिल्ली का चीफ कमिश्नर बनाया गया और नए शहर के निर्माण की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। अब बड़ा सवाल था, नई राजधानी बनेगी कहाँ? दिल्ली तो पंजाब का हिस्सा हुआ करती थी। यहाँ के करीब 128 गांव को नया शहर बनाने के लिए चुना गया।
लगभग 125,000 एकड़ जमीन को खाली कराया गया। 1914 में मेरठ के 65 गांव और शामिल कराए गए और पूरी जमीन के मालिकों को 150 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने की बात हुई, लेकिन कई लोगों को ये मुआवजा कभी नहीं मिल पाया। 1912 में मशहूर आर्किटेक्ट एडविन सियर लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को नई राजधानी का डिजाइन तैयार करने के लिए बुलाया गया। लुटियन दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी के सदस्य भी थे। पहले अंग्रेजों की योजना थी कि कोरोनेशन पार्क, जहां किंग जॉन की ताजपोशी हुई थी, वहीं पर नई राजधानी बनाई जाए, लेकिन लुटियंस ने इस जगह को राजधानी के लिए सही नहीं पाया। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये दर्ज किया कि यह इलाका तंग था और मलेरिया फैलने का खतरा बना रहता था। कई महीनों की तलाश के बाद अंत में वायसराय लॉर्ड और कमिश्नर हेली ने लुटियंस को रायसीना हिल्स का एरिया सुझाया। कोरोनेशन पार्क में जिस जॉर्ज ने आधारशिलाएं रखी थी, उन्हें रायसीना हिल्स लाया गया। ये काम इतना खुफिया तरीके से किया गया क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि क्रांतिकारी आधारशिलाओं को तोड़ने की फिराक में। आधारशिला शिफ्ट करने का काम तब कॉन्ट्रैक्टर सरदार शोभा सिंह को दिया गया। शोभा सिंह मशहूर लेखक खुशवंत सिंह के पिता थे। शोभा सिंह ने बैलगाड़ी से शिलाएं लादकर आधी रात को रायसीना हिल्स तक पहुंचाई, जहां इन पत्थरों को लगाया गया, जहां आगे चलकर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बने। 1913 में राजधानी बनाने का काम जोर शोर से शुरू हुआ, लेकिन तभी प्रथम विश्व युद्ध ने अंग्रेजों का हिसाब गड़बड़ा दिया। जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसे द ग्रेट वॉर का नाम दिया गया। 4 साल चले इस युद्ध में ब्रिटिश शासन का हिसाब किताब डगमा डोल कर दिया और इसी वजह से राजधानी की काम भी सुस्ती में आ गई। 1918 में युद्ध की खात्मे के बाद इस काम में तेजी आई। लुटियंस दिल्ली को ब्रिटिश सरकार ने यूरोपियन शैली में बनवाया, लेकिन साथ ही भारतीय पारंपरिक भारतीय शैली के छज्जे, जालियां, गुंबज भी बनवाए। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। करीब 10,000 एकड़ जमीन को शहर की शक्ल दी जानी थी। रायसीना पर जमीन को समतल बनाने के लिए पूरी पहाड़ी को विस्फोट से उड़ाया गया। राजस्थान से सैंडस्टोनल मार्बल मंगाया गया, उन्हें ढोने के लिए करीब 30,000 मजदूर लगाए। राजधानी के आर्किटेक्ट लुटियंस ने पूरे इलाके को 169 ब्लॉक में बांटा और शहर के अलग अलग जोन्स भी निर्धारित किए। नई राजधानी की सबसे भव्य इमारत थी वायसराय हाउस, जिसे हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। वायसराय हाउस के निर्माण में कुल 17 साल लगे। इंडिया गेट का निर्माण 10 साल में पूरा हुआ। इंडिया गेट को तब खास तौर पर वर्ल्ड वॉर में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। संसद का डिजाइन तब लुटियंस के साथ ही बेकर ने तैयार किया था। बेकर ने ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारत बनाई। इस पूरे काम में लगभग 30,000 मजदूरों को लगाया गया था, जिन्होंने 350 करोड़ क्यूबिक पत्थरों को तराश कर इमारतें तैयार की। वहीं लकड़ी का काम करने के लिए 700 मजदूरों को लगाया गया था। नई राजधानी के हिस्से के तौर पर एक सिटी सेंटर को भी तैयार कराया गया। ये सिटी सेंटर माधोगंज गांव में बनाया गया, जिस जगह को हम कनॉट प्लेस या राजीव चौक के नाम से जानते हैं। कनॉट प्लेस का नाम कनॉट प्लेस पढ़ने के पीछे कहानी ये है कि 1921 में किंग जॉर्ज के अंकल ड्यूक ऑफ कनॉट दिल्ली आए। उन्होंने जब दिल्ली को खूब पसंद किया, इसलिए प्रशासन ने उनके नाम पर सिटी सेंटर का नाम कनॉट प्लेस रख दिया। कनॉट प्लेस में गुलाई में जो खंभे और ब्लॉक्स बने हुए हैं, उसका आइडिया इंटीरियर दिल्ली कमेटी के सदस्य W.H. निकोलस ने दिया था। 20 साल के निर्माण के बाद 1931 में राजधानी का निर्माण पूरा हुआ। तब शाहजहानाबाद को दिल्ली के नाम से जाना जाता था।
नई राजधानी के बाद पुरानी दिल्ली कहा जाने लगा। नई दिल्ली का उद्घाटन फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया और जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद नए भारत की राजधानी के लिए दिल्ली को ही बरकरार रखा गया। इसी के साथ आज का एपिसोड आज यहीं समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।